पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित एवं मौलिक अधिकारों से वंचित अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने CAA कानून बनाया है, परंतु अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी सहित विपक्ष के अन्य नेता पढ़े लिखे होने के बावजूद इस कानून पर देश में भ्रम फैलाकर ओछी राजनीति कर रहे हैं। नादौन पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि धर्म के आधार पर हुए विभाजन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन पड़ोसी देशों से वहां पर रह गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कहा था, परंतु पाकिस्तान में तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बुरी तरह कुचल दिया गया और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ऐसे प्रताड़ित लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र में किए अपने वादे को पूरा किया है। बसे हुए जो शरणार्थी तो है लेकिन नागरिकता नहीं है, सुविधाएं का अभाव है, अब उनको नागरिकता भी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे दलित परिवार हैं, सिख परिवार हैं, बौद्ध हैं, पारसी, जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनकी बेटियों की इज्जत लूट ली गई, जबरन ब्याह कर दिया गया, कहाँ जाते वो बेचारे। आज मोदी जी ने उनको नागरिकता देने का काम किया, लेकिन कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं और आज उनके घर के बाहर प्रदर्शन भी किया है लोगों ने आके। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल गांधी जी, अब तो झूठ बोलना बंद करो। पढ़े लिखे होकर भी आप भ्रम पैदा करते हो, आप एक ऐसी स्थिति पैदा करते हो कि देश को गुमराह किया जाए। मैं अपने मुस्लिम भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी में विश्वास रखती है। हमने जो कुछ योजनाएं लेकर आए बिना भेदभाव से उसको लागू करवाया।